वेलकम टू रुखसाना व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टोमेटो केचप। ये बहुत कम बजट में बन जाता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके अपने किचन में पहले ही से मौजूद होते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं टोमेटो केचप। तो केचप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो है 1 किलो टमाटर, 1 कप चीनी, 1 अदद मीडियम साइज की प्याज, नमक 1 चम्मच, रेड चिली 1 से 1.5 चम्मच। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिरका 1 कप लिया है मैंने, और फ्लेवर के लिए लिया है लहसुन, चंजवे, बादियान का फूल, काली मिर्ची और लौंग। तो चलिए अब हम सबसे पहले टमाटरों को काट लेंगे। टमाटरों को आप जिस भी शेप में काट लें कोई मज़ायका नहीं, जिस शेप में आप चाहें इन्हें काटें, इनको पकना ही है बेचारों ने, ठीक है? इनका तो केचप ही बनना है। चलिए टमाटर काटने के बाद हम दोबारा मिलते हैं। चलिए जी, अब हमारे सारे टमाटर कट चुके हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देखिए सारे टमाटर हमने काट लिए हैं और अब हम इसको अपने कुकर में डालेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, टमाटर हमारे कट चुके हैं और मैं इनको डाल रही हूँ अपने पैन के अंदर। अच्छा, तो टमाटरों के साथ ही हम डालेंगे अपने कटे हुए प्याज जो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे, और चंद जवे ये भी चले गए इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, इसको ढक दिया है। ढकने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट तक पकते रहने देना चाहिए देंगे। याद रखिए कि आपने जो टमाटर लेने हैं वो जूसी होने चाहिए और रेड कलर के होने चाहिए, और पुराने ना हो, गले हुए ना हो या बहुत ज्यादा नरम ना हो, वरना क्या होगा, आपकी आपके केचप की तबीयत बिल्कुल खराब हो जाएगी और आप ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे। तो टमाटर जब तक गल रहे हैं, इसको गलने में तकरीबन 20 मिनट तक तो लगेंगे ही, तो हम मिलते हैं टमाटरों के गलने के बाद। अच्छा जी, हमारे टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं खोलकर के टमाटर की क्या हालत है। वाओ, ये देखें हमारे टमाटर पककर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब मैं अपने कुकर को कर दूंगी बंद और इसको रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हमने क्या करना है, इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और इसे केचप की शक्ल में बदल देना है, ठीक है? तो मिलते हैं हम जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता, उसके बाद में। गलाने के लिए रख दिए थे, वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और हम इसे डालेंगे अपनी मिक्सी में और इनको कर लेंगे ग्राइंड, ठीक है? ग्राइंड हो चुके हैं तो अब हम इन्हें स्टेन कर लेंगे, ठीक है? ताकि इनका इनके अंदर कोई अगर छिलका और बीज वगैरह हो तो वो निकल आए और एक स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। चले जी, हमारा सारा पल्प जो है वो स्टेन हो चुका है और ये हिस्सा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे, ठीक है? और अब हम इसको दोबारा से कुकर में डाल के और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ पका लेंगे, तो हमारा केचप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चले जी, टमाटर का पल्प हम लोगों ने सारा ग्राइंड कर लिया था और इसको हमने स्ट्रेन कर लिया, और अब हम इसे दोबारा पैन में डाल के केचप की सूरत में बना रहे हैं, ठीक है? तो इसके साथ ही हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे। ये
ये जी एक कप गया सिरका, चीनी गई एक कप, नमक था एक टीस्पून, मैं थोड़ा सा कम यूज करूंगी लेकिन, और 1.5 लाल मिर्च पाउडर, ये क्या, थोड़ी सी 3-4 लौंगे गई और काली मिर्च भी गई। मैंने अपना कुकर ऑन कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। चले ये सारी चीजें डालकर हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और इन्हें थोड़ी 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये जितना भी हमें थिक चाहिए वो हो जाए। तो फिर हम इसे अपनी बॉटल्स में या कंटेनर्स में निकाल देंगे। चल अच्छा जी, हमारा केचप ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल मुनासिब और ज़बरदस्त है और इतना ज़बरदस्त इसका अरोमा उठ रहा है कि वाओ। चलिए हम चेक करते हैं कि इसकी थिकनेस को चेक करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर तो ये बहेगा तो इसका मतलब ऐसे और पकना चाहिए, लेकिन देखें कि इसके अंदर पानी या कुछ ऐसा नहीं है और ये अपनी जगह पर स्टिक है, इसका मतलब है कि हमारा केचप बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं अपना कुकर ऑफ कर दूंगी और हम इसे निकालेंगे एक बर्तन में। व्यूवर्स, हमारा केचप बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसे कंटेनर में डाल देते हैं और फिर हम इसे टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो व्यूवर्स, ये हमारा केचप बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इन्हें अपने कंटेनर में डाल दिया है और अब हम इसे ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसा बना है। लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त बना है। आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें अपने घर में और अपने प्यारों को खिलाएं, प्यार से खिलाएंगी, प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, टिल देन।